हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू गेम में। और गाइस, इस गेम को मैंने एक महीना पहले ही प्री परचेस करके रखा हुआ था और आज मुझे डाउनलोड का ऑप्शन आया तो मैंने इस गेम को सबसे पहले जो है वो डाउनलोड कर लिया। गाइस, आप लोगों को इस गेम की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। इस गेम का लास्ट पार्ट 2015 में आया था। अब ये जो पार्ट लॉन्च हुआ है 7 साल के बाद लॉन्च हुआ है। गाइस, आप लोगों को इस गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस गेम के अंदर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ड्रामा, एक्शन, इमोशन, कॉमेडी, सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि इस गेम की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस, गेम जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक आप लोगों का काम ये है कि आप लोग अगर चैनल के ऊपर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, और ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी जो है वो प्रेस कर लेना। और गेम की स्टार्ट में ही हमें लिमोजिन देखने मिल रही है। भाई, आप लोग अंदाजा ही लगा सकते हो कि ये गेम किस लेवल का होने वाला है क्योंकि गेम के स्टार्ट में ही लिमोजिन और बैग, सूटकेस के साथ में जो बंदा है, मुझे थोड़ा सा उदास दिख रहा है, थोड़ा सा सैड दिख रहा है। सामने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा सैड बना हुआ है। एंटोनियो, आप इतना सैड क्यों? सामने की तरफ एक बॉडी बिल्डर सा बंदा है, ऑब्वियसली ये गार्ड होगा। मनी, पैसा, वाओ। Business with Marshall is less lucrative than it used to be. Okay, तो ये शायद से बिजनेस कर रहा था मार्शल के साथ में, या फिर मार्शल के साथ में इसका कुछ कनेक्शन था। अभी जो है वहां से यहाँ पर आया हुआ है ये। और ये आप लोग जो ये पार्टी देख रहे हो, ये पार्टी सैंड्स गैंग की है। ये पूरा का पूरा सैंड्स गैंग जो है यहाँ पर पार्टी कर रहा है। अब किस बात की पार्टी कर रहा है वो गेम के अंदर हमें आगे जाके पता चलने वाला है। और ये एंटोनियो इतना डरा हुआ क्यों है? भाई, पार्टी में आया एंजॉय कर। एक्चुअली ये पार्टी एंजॉय करने के लिए नहीं आया, ये बिजनेस के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे सेल्फी लेते हुए रील्स बनेगी आज बहुत ही तगड़ी वाली इन लोगों की। और ये जो आप पर्पल कलर देख रहे हो, ये पर्पल कलर जो है मेन कलर है सैंड्स रो के गेम का। ओहो, स्ट्रे की कैट यहाँ पर क्या कर रही है? अगर आप लोग मेरा स्ट्रे का गेम देखे होंगे तो वो जो कैट थी वो स्ट्रे गेम के जैसी ही दिख रही थी लगभग। बॉडी बिल्डर को पीछे करते हुए, मतलब उसको फॉलो करते हुए हमारा एंटोनियो। इसके मूव कुछ ज्यादा ही बेटर नहीं लग रहे हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं लग रहे। ट्राइगर ड्रॉप जैसा जैसे है वो खड़े हो गया पीछे साइड से। एंटोनियो पीछे डरता हुआ आगे आगे, सैमा है वो, थोड़ा सा डरा हुआ है और उससे फॉलो करते हुए चल रहा है बॉडी बिल्डर को। ओके, टफ गाय कह रहा है कि वो लोग अंदर है और मैं तेरी जगह पे होता तो मैं नॉक कर अंदर जाता था। It's Antonio Espina. Look, I know that we don't have the best history. Okay, तो एंटोनियो बोल रहा है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। But we could work something out. ओके, तो गाइस, मैं तो भूल ही गया था, इस गेम के अंदर हमें अपना कैरेक्टर जो है वो खुद ही कॉस्टमाइज करना होता है। उसके क्लोथ, उसके हेयर स्टाइल, सब कुछ जो है वो हमें खुद कॉस्टमाइज करना होता है। और इस गेम में कोई भी हीरो नहीं है, सबके सब विलन है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो मुझे कुछ प्रीसेट्स मिले हुए, मतलब कुछ डिफॉल्ट कैरेक्टर मिले हुए, तो मुझे इन्हीं में से कोई एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है और उसे कॉस्टमाइज करना है। तो मैं किसे सिलेक्ट करूँ? मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं बॉय हूँ, तो एज अ बॉय मैं सिलेक्ट करूँगा। और आप लोग मेरी जगह पे होते तो आप कौन सा कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो गाइस, काफ़ी टाइम इसके ऊपर स्पेंड करने के बाद में मुझे ये जो है इतना ठीक लग रहा है। कुछ ज़्यादा ऑप्शंस मुझे मिला नहीं इसे कॉस्टमाइज करने के लिए, और क्लोथ तो मुझे एक भी नहीं मिला है फिलहाल के लिए। और ये ओपन वर्ल्ड गेम है तो मुझे लगता है कि मैं बाद में इसके क्लोथ वगैरह बाय कर सकता हूँ बाहर से। फिलहाल के लिए इतना ही कॉस्टमाइज ठीक है, तो मैं बैक करता हूँ और कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ से। और ये एंटोनियो अभी भी बाहर वेट कर रहा है हमारा। और ये रहा हमारा हीरो, मतलब हमारा कैरेक्टर। ओके, तो हमारा कैरेक्टर इसे एंटोनियो को कह रहा है कि अभी जो है वो पार्टी का टाइम है तो मैं बिजनेस की बात जो है वो मैं बाद में करूंगा। और ये क्या रील बना रहा है? ये भी मुझे लग रहा है कि ये रिकॉर्ड कर रहा है और कुछ गैंग को गाली दे रहा है। ये आइडल्स को गाली दे रहा है और मार्शल को गाली दे रहा है, और सैंड जो है वो इसकी गैंग है। बाकी की दो गैंग को गाली दे रहा है। मुझे लगता है कि ये तीन गैंग का नाम लिया था, तो मुझे कमेंट करके वो तीसरी गैंग का नाम बताना। कुछ पी से उसका कुछ नाम था, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना उस गैंग का नाम। मुझे आइडल और मार्शल मैंने देखा, और तीसरा जो है ये सैंड्स है। चौथी गैंग का नाम क्या था आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओह, ये क्या हो गया?
स्क्रीन पे लोडिंग, मोबाइल के स्क्रीन पे लोडिंग आया और मुझे लगता है कि इसका मोबाइल जो है वो टूट चुका है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर कुछ क्रैकेस दिख रहे हैं मुझे। और ये खून किसका है? वाई? ओ, मेरे कैरेक्टर का खून है ये और ये वाई कह रहा है। इसे क्या हो गया, इसे कौन मार दिया? मेरा कैरेक्टर जो है, मेरा जो हीरो है वो कब्र में डाल दिए भाई इसे। बट ये तो जिंदा है, जिंदा ही दफन करने वाले लगता है इसे। और इसकी अच्छी यादें जो है, ये मेमोरी मतलब यादें जो है इसकी, वो याद कर रहा है अच्छी यादें मरने मरने के टाइम पे। अब इसे मारा किसने है, क्यों मारा है, वो सब गेम में आगे पता चलने वाला है। और मुझे लगता है कि ये गेम जो है अब थोड़ा सा पीछे जाएगा क्योंकि ऐसा बहुत से गेम में होता है कि गेम को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं आगे की स्टोरी बताने के बाद में, गेम को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं ये कैसे हुआ क्यों हुआ वो सब बताने के लिए। अ फ्यू मंथ अर्लियर, जैसे कि मैंने कहा था कि इस गेम को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और वैसे ही हुआ। मार्शल, वेलकम टू मार्शल डिफेंस इंडस्ट्री। डिफेंस इंडस्ट्री, मार्शल एक डिफेंस इंडस्ट्री है। मुझे लगता है कि ये खुद की ही आर्मी होगी क्योंकि आर्मी में ही ऐसी ट्रेनिंग होती है, या फिर इनका गैंग है, अभी कुछ भी आइडिया नहीं। डिफेंस, देखते हैं आगे क्या होता है। ये क्या था? मार्शल मटेरियल, बट डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, हियर इट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। हेलो, आई एम एटिकस मार्शल and I wanted to personally welcome you to the Marshall family. Here at MDI, we don't just make a profit. We make the world a better place. So how do we do that? With a little TLC. Technologically advanced weapons, loose morals, and a culture of conflict. Now let's take a step through each of those. वीडियो देख रहा था। Why are you watching that now? Okay, Gwen. अच्छा तो ठीक है, ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हो ये कैरेक्टर मेरा ही कैरेक्टर है और वो जो वीडियो चल रहा था मेरा ही कैरेक्टर देख रहा था। ये ग्वेन मुझसे पूछती कि मैं ये कैरेक्टर क्यों, ये सॉरी, ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ। और मैं अभी मार्शल के साथ में काम कर रहा हूँ, बट उस वीडियो में मतलब जो स्टार्ट में हम लोग देखे थे उसमें हम लोग सैंड्स के साथ में काम कर रहे थे, तो मैं मार्शल क्यों छोड़ा आगे पता चलेगा क्यों मार्शल मैं छोड़ा हूँ। गेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है मुझे। All right, ladies and gentlemen, contrary to your colleague's demeanor, this is no laughing matter. The Nawali already took out one team that was sent to bring him in, and I want as many of us going home as possible. So stick to the plan, work together, and let's grab that son of a bitch. Okay, madam, Gwen, madam, okay, done. Let's get paid. तो हमें प्लान के ऊपर स्टिक रहना है और प्लान के मुताबिक ही चलना है। ओके, अल्फा टीम जो है वो आगे चल रही है और मेरा कैरेक्टर जो है वो पीछे फिलहाल अभी रेस्ट कर रहा है। ओके, ओ भाई, ओ शिट, हमारी अल्फा टीम जो है वो पूरी की पूरी ढेर हो गई और मेरी भी जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है मुझे फिलहाल। ये मार्श, ओ शिट, हमारा टैंक भी जो है इसने उड़ा दिया है। भाई सामने कौन है? किसी एक बंदे को हम लोग यहाँ पे पकड़ने के लिए आए हैं और उन्हीं के बंदे जो है वो हमें मारे जा रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे मेरा माउस जो है वो लगभग ठीक हो चुका है। अब मुझे वो 95 मीटर जो दिख रहा है ना वहाँ पर मुझे जाना है, बट वहाँ पे मुझे ये लोग आसानी से पहुँचने नहीं देंगे। जहाँ से मुझे गोलियों की बारिश दिख रही है मैं वहाँ पर ही, अभी फिलहाल तो मुझे कोई भी वहाँ पर दिख रहा नहीं है, बट जहाँ से गोली आ रही है मैं वहाँ पर ही फायर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए आगे की तरफ। ओ ओ ओ, यहाँ पर भी एक बंदा था। ओके, सामने की तरफ से कोई तो भाई चला रहा क्या है वो? उसके हाथ में गन है क्या है समझ नहीं आ रहा है भाई। इतना तेज कैसे चला सकता है कोई, फायर कर सकता है? मैं काम करता हूँ, मुझे जो अभी मिला है। ओके, वो मशीन है, मशीन ही चलाया जा रहा है वो। ओके, वही मैं सोचता था कि इतना तेज कौन सी गन हुए भाई। मुझे सामने की तरफ जाना है यहाँ पर। ओह शिट, मैं गलत जगह से जा रहा था। ओके, मुझे इधर आना था। ओह शिट, मुझे लगा कि ये मेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, बट ये भी जो है वो ढेर हो गया। भाई ये क्या गेम है भाई, स्टार्ट में जो है वो इतना टफ। हमारी आधे से ज़्यादा गैंग ख़त्म हो गई। मैं इसे देख लिया, अच्छा हुआ, वरना ये मुझे ढेर कर देता था। ओके, तो ये ग्वैन है, मेरी पार्टनर है ये।
यस ऑब्वियसली हम लोग अलाइव ही रहेंगे, लास्ट तक अलाइव रहेंगे. ओके ठीक है, मुझे एपीसी को कवर करना है और ओके ठीक है, मेरा काम ये है कि मुझे एपीसी को कवर करना है और एपीसी की हेल्थ भी ऊपर की तरफ दिख रही है. और अगर आप लोग नीचे की तरफ अगर ध्यान देंगे तो मेरी जो बुलेट है वो इन्फिनिटी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होएगी. तो ये जो है ये अच्छी बात है बहुत. और बहुत ज़्यादा गोली मारने के बाद में ये लोग जो है वो मरते हैं. और साइड में जो बॉम्ब दिया हुआ है मैं उनके ऊपर गोली लगा मारता हूँ, मैं उनके ऊपर फायर करता हूँ तो ये लोग ब्लास्ट हो जाते हैं. यहाँ पर एक बंदा है, ओके यहाँ पर भी इसे मर गया ये, और ऊपर भी एक बंदा है, इससे भी मैं मार देता हूँ. मुझे एपीसी का ध्यान देना है. भाई एपीसी किधर गई? ओ आगे है. भाई मैं सोचता कि एपीसी जो है वो किधर चले गई थी. ठीक है, एपीसी का जो बंदा है वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है मुझे फिलहाल. यहाँ पर भी दो बंदे और ये भी जो है वो ढेर, बहुत बढ़िया. और ऊपर की तरफ दो बंदे, ये भी ढेर. अगर मैं इसे ये टीएनटी को मुझे टीएनटी को जो है वो पहले निशाना बनाना होगा, क्योंकि टीएनटी को गोली लगते ही पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है. ऊपर की तरफ भी है दो बंदे, ये भी दोनों डाउन. ओके मुझे जो एपीसी का बंदा था जो ऊपर बैठ के गाड़िया जो फायर कर रहा था वो मर चुका है. अब उसकी जगह पे मुझे ग्वेन ने कहा है कि मुझे लेना होगा उसकी जगह. तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे पास मशीन गन है और वो भी इन्फिनिटी है. तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इनका क्या करने वाला हूँ. बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं नीचे की तरफ, मैं सभी को मार देता हूँ. ऊपर लेजर से मार रहा है, कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे रहा था तो इसे भी मैंने मार गिराया. राइट साइड से भी कुछ बंदे हैं तो ये भी फूट गया. ये बहुत अच्छा दिया है इसके अंदर कि अगर मैं टीएनटी को फोड़ रहा हूँ, टीएनटी के ऊपर फायर कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जा रहा है और जितने भी लोग हैं वो लगभग मर ही जाते हैं सब लोग. ओके मुझे लगता है कि ओह नहीं, ऊपर की तरफ से एक हेलीकॉप्टर आ गया. मुझे इसे जल्द से जल्द उड़ाना होगा वरना ये हमें जो है वो उड़ा देगा. तो मैंने उसे भी मार गिराया. ओह शिट, एपीसी के ड्राइवर को गोली लग चुकी है और वो मर चुका है. इस वजह से एसीपी जो है, एपीसी जो है उसका कंट्रोल खो दिया है और ये मुझे भी ले जाएगा, मरेगा. अब मुझे पता नहीं है कि मैं मरा हूँ या जिंदा हूँ. एपीसी के ड्राइवर को गोली लगी, ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और यहाँ आके भिड़ गया. ठीक है कोई नहीं, अभी भी हम जिंदा हैं. ग्वेन, can you hear me? Anybody? ग्वेन भी जो है वो मेरी बात सुन रही नहीं है. टेक डाउन फॉर, ओके ठीक है, इसे टेक डाउन होगा. ओके इधर दे आर ऑल डेड और देयर इज नो सिग्नल, सो आई शुड पुश ऑन एंड फाइंड द नवाली मायसेल्फ. तो मैं दोबारा वहीं जा रहा हूं. जबरदस्त भाई, टेक डाउन इसका बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, मजा आ गया देख के टेक डाउन. बट टेक डाउन के लिए मुझे रेडी होना पड़ेगा, ये लोग बहुत नजदीक आके टेक डाउन. एक सेकंड, पीछे छुप के कहां गया, ये रहा. ओ ओ ओ ओ रीलोड हो गया. अबे भाई इसको गोली क्यों नहीं लग रही है, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया तुझे? तो ठीक है, अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो शायद से मेरी भी जो हेल्थ है वो बढ़ेगी. और ठीक है, एफ से मैं किक भी मार सकता हूँ, बट एफ इधर है. इससे मुझे टेक डाउन करना चाहिए था, टेक डाउन करता तो मेरी हेल्थ जो है वो जल्दी से इंक्रीज हो सकती थी. ओ ओ ओ ओ शिट, यहाँ पर एक बंदा था, मुझे पहले इसे डाउन करना चाहिए था. कोई बात नहीं, डॉच करने का मुझे, डॉच कैसे कर सकते हैं, डॉच करने के लिए कुछ तो होना चाहिए इसके अंदर. मुझे लगता है कि मैं, ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ. जैसे मैंने बोलने गया कि मुझे लगता है कि मैं बाहर. ओके ठीक है, तो फाइनली हम लोग टनल के बाहर आ चुके हैं जी होल्ड करने के बाद में. ओके तो मैं, मेरे पास गन जो है वो बहुत सारी, मैं स्लैक कर सकता हूँ. और सामने से बंदे आ रहे हैं. Besides, we don't want them coming up behind us later. Fine. But next time I give an order, the only words I want to hear are yes and ma'am. Got that? Okay, तो ये मुझे कह रही है कि अगर मैं next time order दूंगी तो तू सिर्फ और सिर्फ यही कहेगा कि yes ma'am. और अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलेगा. अरे मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ उधर पे इतना जल्दी, क्योंकि यहाँ पे बंदे जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं. मैं जल्द से जल्द ऊपर जाता हूँ, क्योंकि ऊपर जाऊँगा तो मुझे नहीं लगता है कि ऊपर इतने बंदे होंगे. वो डॉच जो कैसे जैसा कर रहा है, मुझे वो डॉच करना सीखना है. बट वो कंट्रोल से कर सकते हैं हम लोग. ओके ये इसको पहला मारना पड़ेगा. कहाँ से मार रही है ये, यहाँ पे रहे. लेजर से मार था, तकलीफ दे सकता था मुझे. ये भी डाउन, ये भी डाउन. अबे भाई डाउन नहीं हुआ, इतना गोली खाया फिर भी डाउन नहीं हुआ. और भी बंदे यहाँ पर है. टीएनटी है क्या वो? टीएनटी है, अगर टीएनटी हुआ तो फूटेगा, बहुत गंदा वाला. नहीं फूटा, टीएनटी नहीं था.
यहाँ पर भी बंदे हैं, वहाँ पर घोड़ा है, मुझे घोड़े को जो है थोड़ा सा बचा के मारना होगा। यहाँ वहाँ पर भी एक बंदा है, ओके तो मुझे लगता है कि लगभग जो है वो यहाँ पर सभी लोग डाउन हो चुके हैं। यहाँ पर भी एक बंदा था, बहुत ही गंदी मौत मरा है वो, सबसे गंदी मौत यही मरा है लास्ट वाला बंदा। ओके यहाँ पर भी कुछ बंदे हैं, ओहो हो हो क्या डॉच किया है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, मगर तेरी नसीब बहुत ख़राब है कि तेरे सामने मैं हूँ। ओके तो मुझे आगे का टारगेट मिल गया, मुझे यहाँ पर जाना, डन। बट यहाँ पर क्या है, क्या कुछ और? ओके तो वो बैरिकेड जो है वो मुझे फोड़ना होगा, और ये रहा वो बॉम्ब, ई से मैं पिकअप कर सकता हूँ। ओके ओके तो मैं इसे थ्रो भी कर सकता हूँ, डन, और आर से मैं इसे ब्लास्ट भी कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब मैं अपनी गन जो है वो चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि बॉम्ब का इतना ज़्यादा काम तो नहीं है। ओ अंकल जी डरा रहे हो, वैसे ही डरा हुआ हूँ मैं, और डरा रहे हो आप, कहाँ हो आप? अच्छा ओके ठीक है, ये रही। ओके तो ठीक है, हमारी जो टीम है वो हमें कवर करने के लिए आ रही है। नैबी, वो बंदे का नाम मुझे नहीं समझ आ रहा है कि बंदे का नाम क्या है, नैबी है, न्यूबुला है, पता नहीं क्या नाम है उसका। बहुत ही फास्ट एकदम स्पीड में बोल के निकल जाती है, समझ में भी नहीं आता। ओके ठीक है, मुझे इसने लेफ्ट साइड से प्लैंक करने के लिए कहा हुआ है, बट बंदे ऊपर की तरफ है, क्राउच भी कर सकता हूँ मैं। ओके डन, बहुत ही ज़्यादा बंदे आ रहे हैं यार, वो मुझे प्लैंक करने के लिए कह रही है लेफ्ट साइड से, बट लेफ्ट साइड से ही तो बंदे आ रहे हैं यार मैडम, किसी और को बोलो ना लेफ्ट साइड से प्लैंक करने के लिए। एक सेकंड मैं करता हूँ प्लैंक, मुझे अभी तो कुछ वो रहा TNT और फोड़ने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। TNT देखते ही फोड़ दो भाई, TNT देखते ही फोड़ दो, हमारा ही फायदा उससे। ओह नीचे भाग के आ गया, ये मेरे पास कब आ गया? मुझे ई से मारने का बहुत अच्छा चांस मिल रहा था, मतलब टेक डाउन करने का बहुत अच्छा चांस मिल रहा था, बट मैंने वो चांस खो दिया। बहुत ही ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? वो सामने जो आपको बार दिख रहा है ना, जो ये होटल दिख रहा है, ये क्या है, सिल्वर बार, वो आ गया। मार्शल का हमारा जो बैकअप है वो आ चुका है यहाँ पर, बट अभी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग जो है वो लगभग मर चुके हैं यहाँ पर। ओके Perimeter secure. Yeah, that's probably because of my flanking. Now get in there and flush that son of a bitch out. Oh, तो ये मुझे कह रही है जाने के लिए, मैंने कहा मैंने इसकी बात नहीं माना कि लेफ्ट साइड से प्लंग करने के लिए, तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रही थी। ओके मैं अंदर आ चुका हूँ। What does it take for a man to be able to enjoy a quiet drink these days? Nahu Ali. क्या पता क्या नाम है भाई इसका, Nahulla. You really think you have what it takes to bring me in? भाई नोएली तो बड़ा कमाल का बंदा है यार, बाहर इतनी बड़ी फाइट हो गई, यहाँ बैठ गया आराम से शराब पी रहा है, बहुत ही कमाल का बंदा है यार ये, इसी को पकड़ने आया हम लोग। आने के लिए बोल रहा अपने साथ में, बट ये मान रहा नहीं है। Then respect this. You set one foot on those stairs. Okay, तो धमकी देते ही रुक गया भाई, बोला कि अगर एक धमकी देने के बाद में भी रखा पैर उसके ऊपर और डिस्ट्रैक्ट करके भाग गया। उस चाकू से डिस्ट्रैक्ट करा Nahulla और डिस्ट्रैक्ट करके भाग गया। चल ये आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरा जंप बहुत ज़बरदस्त मारता है। ओ तेरी तो सामने ही आगे खड़ा होएगा, और आगे मुझे दो और बंदे दिख रहे हैं, ये क्या करके गया है? एम पे ही खड़ा हो गया था आगे। ओके तो ये बोल रही है कि मुझे बाहर आने के लिए। ओके तो ग्वैन ने मुझे बाहर बुला लिया और उसने कहा कि वो कहीं पे जा नहीं सकता है। ओ शिट, ये मार्शल के प्लेन पे आके चढ़ गया है। Nahulla तो बहुत ही ओ पायलट को भी मार गिराया, पायलट को नीचे फेंक दिया, और हमारी ही
प्लेन को लेके जा रहा है भाई ये, और ये कोई ऐसी वैसी प्लेन नहीं है, वो फाइटर प्लेन है मार्शल की। एयर सपोर्ट मंगाया है गोयन ने, और मुझे कह रही है कि हीरोगिरी करने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारा हीरो जो है वो मानेगा नहीं। मार्शल एपीसी को उसमें फंसा दिया उस प्लेन को, और खुद भी ऊपर जाके चढ़ गया। बहुत ही ज़्यादा हीरोगिरी कर रहा है, ग्वेन ने मना किया इसे हीरोगिरी करने के लिए, फिर भी ये अपने हरकतों से बाज नहीं आया, हीरोगिरी करा और ऊपर आके चढ़ गया इसके। ओ मशीन गन से हम लोग मार तो सकते हैं। ओ एपीसी से वो प्लेन फंस गया है, और हमारा हीरो भी जो है वो नीचे गिर गया है। हम लोग यहाँ से मार सकते हैं उसे, वो मार देता है यार वहाँ से, प्लेन पे जाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि मुझे उसे जिंदा पकड़ना है, इसलिए ये फायरिंग नहीं कर रहा है इसके ऊपर। ऑब्वियसली इसे जिंदा ही पकड़ना है मुझे। प्लेन को पूरा का पूरा ऐसा खड़ा कर दिया इसे नीचे गिराने के लिए हमारे हीरो को। ओके हम लोग यहाँ पे लटके हुए, और लटकते लटकते इन लोगों को मुझे मारना है, और ये रहा टीएनटी, नहीं टीएनटी नहीं था वो भाई, ऐसे कैसे आ रहा है, पुराने गेम में जैसा आते थे ना, पुराने गेम में विलन्स आते थे ऐसा साइड से चलते चलते, वैसा ही कुछ दिख रहा है मुझे फिलहाल अभी यहाँ पर। सामने मैंने रास्ता बना दिया इस प्लेन को बाहर निकलने का, बट ये अटका पड़ा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी निकलेगा, क्योंकि वो एपीसी जो है वो कुछ ज़्यादा ही हैवी है। ओह पूरा का पूरा प्लेन टेढ़ा कर दिया भाई इसने मुझे नीचे गिराने के लिए। ओके तो अब मुझे लटकते हुए फाइट करना होगा, ये लटक रहा है और फाइट भी कर रहा है। ये लास्ट मिशन जैसा क्यों बना दिया भाई, ये फर्स्ट मिशन है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की क्या ज़रूरत थी। ये गेम मैंने जैसे कि कहा था कि ये गेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, इसकी स्टोरी है, एक्शन है, ड्रामा है, सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर, वैसा ही हो रहा है। फर्स्ट मिशन इतना ज़्यादा ओपी होने वाला था, मैंने सोचा भी नहीं था। ये ऐसा बना बना के रखा है ना, मुझे लग रहा है कि टीएनटी है वो भी, बट टीएनटी नहीं है। ओके तो लगभग सभी लोग जो है वो मर चुके हैं। ओ दो बंदे यहाँ पर भी थे, इन दोनों को तो मैंने मार दिया था, ये दोबारा से कैसे आ गए। एक बंदा कहीं पे और है, आवाज़ आ रही है उसकी। ओके मैंने सभी को मार दिया है, और अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये दोबारा से मुझे देख लिया है। ओह शिट अब ये खुद बाहर आ गया। तगड़ी फाइट होने वाली है भाई, फाइट के लिए रेडी। ओह क्या पंच था भाई, स्ट्रेट पंच सीधा नाक पे, बहुत ही ज्यादा मार रहे हैं यार, बहुत ही बुरी हालत कर दिया है। ना हुल्ला ने आया है, एम आई ओके। तो ये बोल रहा है कि तू जो भी करने वाला रहता है वो मुझे पहले ही से पता चल जाता है, जो भी फाइट मारने वाला रहता है वो मुझे पहले ही से पता चल जाता है। ओके और उसने अपना मूव दिखाया, और यहाँ पर आके प्लेन हमारा क्रैश, प्लेन ब्लास्ट नहीं हुआ यार। इतना बड़ा क्रैश होने के बाद में प्लेन ब्लास्ट नहीं हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि मैंने इसे यहाँ पर लेकर आ गया, अब ये कुछ कर नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है यहाँ से। जैसे ही ग्वेन ने कहा कि अपना हाथ जो है वो ऊपर कर लो और अरेस्ट हो जाओ। ओके तो ये अरेस्ट कर लिया है। ओके तो हम लोग जो है वो इसे पकड़ लिए। ये हमारा हीरो। ओके तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि मैं इसका क्लोथ वगैरह जो है वो चेंज कर सकता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ कि इसे कौन सा क्लोथ अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो क्लोथ जो मैं अभी पहनाने वाला हूँ इसे वो अच्छा लग रहा है या नहीं। ओके तो मैंने मार्शल का जो सूट था उसे हटा के कुछ इसको कूल सा लुक देने की कोशिश किया हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो लुक है इसका हमारे कैरेक्टर का वो आप लोगों को कैसा लगा। तो अब बैक करते हैं और चलते हैं स्टोरी की तरफ, डन कर देता हूँ मैं यहाँ से। Well, you didn't die. All in all, not a bad start. ओके तो ये मिरर में देख के बात कर रहा था, और हम लोग मरे नहीं। ओ जीसस क्राइस्ट ये कौन है भाई, यू आर नॉट गोना लास्ट, योर पेप टॉक्स नीड सम वर्क। भाई हमारे फर्स्ट जो पेमेंट है वो हमें मिलने वाली है, परफॉर्मेंस बोनस जो है वो हमें मिला है। खाली इज दिस अ जोक, खाली क्यों भाई, यू रिबिंग द रुकी, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, देयर इज सपोज्ड टू बी अ बोनस बेस्ड ऑन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, दैट्स राइट, एंड इफ यू हैड परफॉर्मड एक्सेप्शनली
you would have seen a bonus. Oh, come on. Can you really look me in the eyes and say I didn't do well? Okay, तो ये कह रही है कि अगर मैंने जो वो हीरोगिरी दिखाया था वो अगर वो नहीं दिखाया होता तो हमें जो है वो बोनस बहुत अच्छा खासा मिल सकता था, बट मेरे हीरोगिरी दिखाने की वजह से इसने मुझे बोनस नहीं दिया है और इसने मुझे धमकी भी दे दिया है कि अगर मैं इन लोगों की बात नहीं मानूंगा मार्शल्स वालों की तो ये लोग जो है मुझे निकाल सकते हैं जॉब पे से। पैसे तो मिले नहीं बट हमारा जो फर्स्ट मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से ये मार्शल छोड़ के सैंड्स में गया होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट मिशन कंप्लीट होता है तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बन तो चुका है, तो अब इस एपिसोड को यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। और गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये जो एपिसोड है आप लोगों को कैसा लगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथों साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करना होगा ताकि मैं वीडियो डालूं और आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए इस वीडियो का। और गाइस इस एपिसोड में हम लोग लाइक का एम रखते हैं 500 का, और 500 का एम जो है वो बहुत ही छोटा है आप लोगों के लिए, जल्द से जल्द एम कंप्लीट करवा देना। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय बाय।